मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के 28 विधानसभा सीटों के वचन पत्र पर निशाना साधा और कहा कांग्रेस वचन पत्र नहीं कपट पत्र जारी करती है। मिश्रा ने कहा झूठे वचन पत्र पर वोट मांगना कांग्रेस का काम है। बीजेपी नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कांग्रेस वचन पत्र नहीं कांग्रेस कपट पत्र जारी करती है, झूठे वचन पत्र जारी करके कांग्रेस वोट मांगती है। कमलनाथ के सवाल पर गृह मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कमलनाथ ने खुद अपनी सरकार गिराई है, उसे किसी और ने नहीं गिराया है। कपिल सिब्बल की ओर से बाबरी मस्जिद के फैसले पर उठाए सवाल पर गृह मंत्री ने कटाक्ष करते हुए कहा कांग्रेस मीर बाकी जैसों की ही समर्थक रही है हमेशा। गिराई तो उन्होंने खुद ने, वो संभाल नहीं पाए इसलिए गिर गई। इसलिए कसूर तो अपने आप से पूछे, वचन पत्र नहीं वो कपट पत्र है। अभी विधानसभाओं को जारी करें बाढ़ चुनाव में, फिर ये बाढ़ों को जारी करेंगे, फिर मोहल्ले का, फिर बस्ती का, फिर घर तक आएंगे ये, क्योंकि इनको मालूम है कि जो विधानसभा चुनाव में इनने वचन पत्र जारी किया था वो कपट पत्र निकला। एक भी किसान का 2 लाख माफ नहीं हुआ, एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, एक भी बेटी को स्कूटी नहीं मिली, एक अतिथि विद्वान एक भी परमानेंट नहीं किया। तो वो पूरा का पूरा लिखित में झूठ बोल के झूठ का पुलंदा बनाया, तो जनता ये सब समझ गई है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विद फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।